cut. Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Adventure Club Guwahati. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए तथास्तु। वन सेकेंड। आप लोग को जैसे कि पता ही चल रहा है कि असम में अभी इलेक्शन चल रहा है, इसीलिए मैं आज घर से निकल चुका हूँ वोट करने के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ। अब पता नहीं कैसा है अभी सिचुएशन। मम्मी पापा पहले ही चला गया था, सुबह ही चला गया था, उन लोग देखे भी आ चुके हैं और बहुत लंबी कतार था और थोड़ा सा अभी रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा सा चेंज कर लिया है, सुना है। पहले जैसा नहीं है, अभी इतना लंबा लाइन लगना नहीं पड़ेगा और कोविड के वजह से थोड़ा रेस्ट्रिक्शन ज्यादा कर दिया है। टेस्ट भी कर रहे होंगे। अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो अलग टाइप से आपको वोटिंग कराएगा, सुना है। ये पता नहीं क्या होगा, तो इसीलिए एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और मैं किसको वोट कर रहा हूँ ये तो मैं नहीं बता सकता, फिर भी आप यही सोच के रखिए कि जो जीतेगा उसी को मैं वोट दिया हूँ, क्योंकि मेरे वोट से ही कोई ना कोई तो जीतेगा ही। और वोट करना बहुत ही जरूरी है, आप हो, मैं हूँ या फिर कोई भी हो, इंडियन सिटीजन के लिए वोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई मैं भी एक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ देश के लिए। पर जो भी देश को चलाएगा वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, देश को आगे लेके जाए, यही मैं उम्मीद करता हूँ। किसकी सरकार बने ये मेरे से कोई मतलब नहीं है, जो भी सरकार संभाले उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आम आदमी भी उनके साथ जुड़े होंगे। भारत का प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है असम का या फिर कोई भी स्टेट का, इससे कोई मतलब नहीं है। देश को आगे लेके जाना है, यही हम लोग का सपना है। ऐसा लग रहा है कि आज पूरा बंद है, असम बंद है जैसा, वैसा ही लग रहा है। अरे भाई, अरे यार, थोड़ा इधर उधर भी देख के टर्निंग लेना चाहिए। ये सब गाड़ी बड़ा होने से क्या होता है, दिल और आंखें बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे भी एक सेंटर है, ये सेंटर में ऑलरेडी बहुत सारा भीड़ है, बहुत ट्रैफिक जमा हुआ है, बाकी तो ऐसे पूरा रास्ता खाली है। मेरा सेंटर है सादगांव में, तो देखते हैं वहाँ पे भी शायद बहुत भीड़ होंगे। अभी तो रास्ता थोड़ा सा बड़ा हो गया है। एंड फाइनली मैं वोटिंग लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। लगता है यहां पे बहुत भीड़ है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। गाड़ी पार्क करने का जगह ही नहीं मिल रहा है हमको। फाइनली मुझे यहां पे पार्क करने का जगह जो है मिल चुका है। यहां से पार्क करके मैं थोड़ी देर बाद क्या, अभी निकलूंगा ही। आप लोग देखिए कितना भीड़ है अभी। मैं पूरा अंदर तक दिखाऊंगा कि कैसे मैं वोट करता हूं, अंदर में सिचुएशन कैसा है, कैसे पोलिंग एजेंट बैठते हैं, एवरीथिंग। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो पे। লাগিব
तो गाइज मैं वोट करके आ चुका हूँ। मैं सोचा था कि थोड़ा सा तो लाइन होगा ही, फॉर्चुनेटली इतना लंबा लाइन नहीं है। सो इसीलिए मैं थोड़ी देर इंतजार किया, कुछ प्रोसीजर्स किया, मुझे वोट करने का मौका मिला। ये देखिए, और इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप अगर वोटिंग करने के लिए आते हैं, इसलिए आपके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, या फिर नंबर लेके आने से भी होगा। साथ में एक आइडेंटिटी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ आपको लेके आना चाहिए। मेरा ऑलरेडी लाइसेंस था, डीएल दे के मैंने करवाया, तो ये सब चेक करता है। टेम्परेचर चेकअप मीटर जो है वो चेक नहीं किया, हालांकि जो आपने वीडियो दिखाई है, मैं वीडियो पूरा डिटेल्स में वीडियो कर चुका हूँ, वैसे ही चेकअप हो रहा है अभी, अच्छा ही है, प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीडियो किया था। और एक चीज, ये जो ग्लोब है, ग्लोब पहन के आपको जाना पड़ता है, ये ग्लोब्स पहन के आना चाहिए, मतलब वहाँ पे ग्लोब देता ही है, एक हाथ से लगा लो, राइट हैंड में लगा के वो उंगली से बटन दबाना है। पता नहीं यार क्या है ये, क्यों है ये, कुछ भी हो, बट वोट करके अच्छा ही लगा, मजा आया, दोस्तों को मिला, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अब वोट करना बिल्कुल ना भूले, किसी को भी दो बट वोट जरूर दो। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बोलिए, अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर एनीथिंग यू कैन डू दैट। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय योर होम, बाय बाय।